वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आशु। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यू आर ऑल डूइंग वेरी ग्रेट। दोस्तों, मुंबई आने के बाद 80% लोगों का यही क्वेश्चन होता है एंड आप लोग तो समझ ही सकते हैं, यही क्वेश्चन होता है कि 80% लोग कहते हैं कि मुंबई आने के बाद हमें सक्सेस नहीं मिला, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये टॉपिक को लेके मैंने सोचा कि बहुत ही अहम टॉपिक है, क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए एंड उसके बाद उसे अपने चैनल पे अपलोड करें। एंड इसी वीडियो के माध्यम से आई होप कि ये आप लोगों का जो कन्फ्यूजन जो दिमाग में है वो दूर हो जाए। देखिए, मुंबई माया नगरी है एंड यहाँ पे हर घंटे में कोई ना कोई आता है अपना किस्मत आजमाने के लिए। सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अगर एज एन एक्टर मुंबई आना चाहते हैं और अपने आप को एज एन एक्टर देख रहे हैं और उनके अंदर अगर वाकई में टैलेंट की भरमात्रा है, यानी टैलेंट है उनके अंदर और वो तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि मुंबई बहुत ही फास्ट है दोस्तों, यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन बहुत ही फेमस है, उसी तरह ये मुंबई माया नगरी भी स्पीड में चलती है। लोग यहाँ पे डे नाइट मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क टू बिकम एन एक्टर एंड मुंबई आते साथ ही आपको काम मिल जाए। बट कभी कभी आपकी नसीब अगर अच्छी रही तो आपको काम भी मिल सकते हैं। तो 80% मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका बात क्यों नहीं बनता है, बिकॉज़ वो लोग तैयारी के साथ नहीं आते। वो लोग बस एक्टर बनना है भाई, ट्रेन पकड़े और मुंबई आ गए, ऐसे थोड़ी ना कोई एक्टर बन जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी है, जो मैं उन सभी को ये मैसेज के ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के ज़रिए से, कि पेरेंट्स से पूछ के, पेरेंट्स को तैयार करके, खुश करके ही मुंबई आना। बिकॉज़ देखो, आप मुंबई तो आ जाओगे लेकिन जो पेरेंट्स के दिमाग में, जो दिल में वो दुख होता है, वो जो चिंता होती है कि आप भाग के आ गए, ये करके आ गए एंड ऑल, तो ऐसे काम नहीं होता ना भाई। तो पेरेंट्स को राज़ी करना आपका काम है, आप एक एक्टर हैं। अगर आप एक वाकई में एक्टर है तो एक एक्टर के अंदर वो क्षमता है कि वो हज़ारों लाखों ऑडियंस को कन्वेंस कर सके अपने बातों को लेके, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को कन्वेंस नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ी बात है, आप कभी सोचिए एंड उसके बाद ही मुंबई आने के लिए सोचिए। तो यही वीडियो था कि तैयारी के साथ आए, यानी कि तैयारी इन द सेंस कि सर्वाइवल के लिए पैसे लेके आ जाए, अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करे। बिकॉज मैंने बताया कि मुंबई बहुत ही फास्ट नगरी है, माया नगरी है, तो यहाँ पे टाइम आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, खुद ही आपको पैसे कमाना पड़ेगा और पैसे कमाने के साथ में अपना एक्टिंग करियर को भी देखना पड़ेगा। तो इतना तैयारी के साथ आए कि यहाँ पे रूम वगैरह ले ले और उसके बाद में अपना कोई जॉब कर ले। अगर आपके पास पैसे का कुछ फाइनेंशियली कुछ इशू है तो जॉब कर ले पार्ट टाइम, या कुछ टाइम ऐसे सेट करके आप अपने हिसाब से मैनेज करें और मेहनत करें और बिल्कुल आपको काम मिलेंगे। तो यही था क्वेश्चन कि 80% लोग मुंबई आते हैं और बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है एंड ऑल। तो उन सभी का इस वीडियो में मैंने जवाब दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल आशु और प्यार देते रहिए यार, प्यार कम आ रहा है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। लव यू ऑल।